हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राम कृष्ण चौरसिया, इकलौता शख्स राम कृष्ण ही हैं जो कि ज्योति से भी लगातार बातचीत करते हैं और आलोक से भी लगातार बातचीत करते हैं, और कहीं ना कहीं रामकृष्ण चाहते हैं कि दोनों फिर से एक हो जाएं। रामकृष्ण बताइए, पहले आखिरी बार दोनों की कब बातचीत कराई थी आपने? आखिरी बात यही जो बात हुई थी इन दोनों लोगों में कि एक हो जाएं, विवाद थोड़ा थोड़ा हो रहा था, इन्होंने धूमनगंज थाने में एप्लीकेशन दे दिया था, तो बात हुई लेकिन बात नहीं बन पाई। उसके बाद से यही था कि बच्चों को मिलने दिया जाए, वो दोनों बच्चियों से मिलने के लिए काफ़ी परेशान थे, जिसलिए हमने भी रिक्वेस्ट किया कि मिलने दिया जाए, बात करने दिया जाए, और उसके बाद नहीं बात करने के बाद फिर मजबूरन इनको मीडिया में आना पड़ा। रामकृष्ण इकलौते ऐसे शख्स हैं जो आलोक के बचपन के दोस्त हैं, मतलब आलोक के बारे में जो कुछ भी है आज, जो कुछ भी कोई जानता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बचपन के दोस्त होता है उससे कुछ छिपा नहीं होता है। तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, देखिए क्योंकि आप लगातार बातचीत भी करा रहे थे आलोक और ज्योति के बीच में, वो 8 मिनट का एक कन्वर्सेशन भी हमने देखा था कि किस तरीके से आपने बातचीत कराने की कोशिश की थी। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहली बात, जो ज्योति ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारी था ये, लेकिन झूठ बोल के ग्राम पंचायत अधिकारी अपने आप को बता दिया था, झूठ बोल के शादी हुई थी, इस बारे में ज्योति से आपकी बातचीत हुई, आलोक की आपकी बातचीत हुई? देखिए हम तो शुरू से ये, बाद में इलाहाबाद चले गए पढ़ने, हमने आजमगढ़ आ गया पढ़ाई करने, तो इनका जब 2009 में हुआ तो हमने पुलिस वेरिफिकेशन उसमें आता है, तो हमारे साथ आके इनका हमने सफाई कर्मी का पुलिस वेरिफिकेशन कराया। वो इलाहाबाद रहते थे, यहाँ का मैनेजमेंट हम और एक दिनेश मौर्य थे वो देखते थे, घर पे जितने भी कार्यक्रम होते थे, तो हमने शादी कार्ड हम ही लोगों ने छपवाया था, उस पर कहीं जिक्र नहीं था। जानते हैं फोटोशॉप का ज़माना है, कोई कहीं से लिख के चीट कुछ भी चेंज कर सकता है, तो शादी वाली बात उस समय सबको क्लियर थी। हालांकि ये दूर की रिश्तेदार भी हैं ज्योति मौर्य, जो इनके एक चाचा हैं घनश्याम, उनसे डायरेक्ट रिलेशन था इनका, उन्हीं के माध्यम से शादी हुई थी। इनके एक चाचा इनके जस्ट बगल में दरोगा थे, चिरई गांव के पास जो थाना था, पहले सिपाही थे फिर वहीं पर दरोगा हुए, तो सारी चीज़ें क्लियर थी। हम ही ने उनका वेरिफिकेशन कराया, पुलिस वेरिफिकेशन जाता है, कलेक्ट्रेट से जाता, हमने कलेक्ट्रेट में रहा है, तो ये चीज़ें पहले से ही 2009 से ही क्लियर थी कि हाँ ये सफाई कर्मी हैं। आखिरी बार आपकी ज्योति से कब बात हुई थी? आखिरी बार हम फेस टू फेस गए थे इलाहाबाद, इनका जो आलोक के पापा हैं, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो इनके आवास पे हम गए थे देखने के लिए, तो वहीं पे दोनों लोग थे, ठीक ठाक था सब कुछ। कब की ये बात है? ये लगभग 1.5 साल पहले की बात है, तो तब मामला सब दोनों में एकदम कूल था, उस समय कोई ऐसा लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी। इन्होंने भी हमसे अच्छे से बात किया, पहले की तरह लोग ये भी मिली, और उन लोगों ने भी काफ़ी हम लोगों रिस्पेक्टफुल फैमिली थी, हमेशा गांव में भी लोगों की रिस्पेक्ट किया करते थे। जैसे जो आलोक के पापा हैं, ये बछवल चौराहे पे बस जाती थी बनारस की, कोई लड़का जाता था पूछते थे क्या करने जा रहे हो बेटा, अगर कोई पढ़ने जा रहा है तो उसको 100-500 हज़ार रुपया दे देते थे कि जाओ अच्छे से तैयारी करना, तो ये था। तो मुझे एक बात बताइए, जब आखिरी बार फ़ोन पे कब बातचीत हुई थी? आखिरी बार ये लगभग 2 महीने हो गए, तो वही जो कन्वर्सेशन चला, कौन कॉल आपने करवाया था ज्योति और दिनेश और हमने कराया था, तो जो कौन कॉल कराया था उसमें क्या आपने उस समय ये बात निकल कर सामने आई थी कि सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत अधिकारी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात हमारे सामने वो ये बात कही नहीं सकती, क्योंकि उनको क्लियर था कि ये सफाई कर्मी हैं, उनको तो पहले से भी पता था और बाद में भी पता चला, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वो जो कन्वर्सेशन था आप उसमें सफाई कर्मी की कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक बदतमीजी भरी बात कही थी, उनके पिता को बाप कह रही थी, बाप बाप कह के बात कर रही थी, और ये कह रही हैं कि तुम सफाई कर्मी हो, तुम्हारे मन में वही कूड़ा उठाते हो, कूड़ा भरा, ये सब उनकी तुच्छ मानसिकता का प्रमाण था। तो आपने रोका टोका उनको? जी हमने मना करना चाहा, फिर उन्होंने फोन कट कर दिया, क्योंकि ये देखिए ये जो बातचीत थी ना, ये कन्वर्सेशन जो थी वो पूरा मैंने सुना, 8 मिनट के करीब थी तकरीबन ये कन्वर्सेशन थी, पहले तो ठीक से होती है, फिर चिल्लन चिल्ला उसमें शुरू हो जाती है दोनों तरफ से, ज्योति भी उधर से बोल रही है, उधर से आलोक भी बोल रहे हैं, बीच में आपका कभी कभार आवाज आ रही है। ये जब कन्वर्सेशन पूरा हो गया कट, उसके बाद आपने समझौता कराने की कोशिश की? नहीं, उसके बाद अब हमारा नंबर ब्लॉक है, तो इसलिए हम एक दो मैसेज किए, मैसेज सीन हुआ लेकिन रिप्लाई नहीं आया,
और अब नंबर मेरा ब्लॉक है। हम आज भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस आदमी के पास न जाएं, क्योंकि सौतेला बाप सौतेली बेटियों को कभी बेटी नहीं मानता है। आप भी देखते हैं ज़माने में कि कितनी गंदी नज़र से देखता है। इस चीज़ का बस ख्याल करके उसके पास प्लीज़ आप न जाएं तो अच्छा होगा। हर सौतेला बाप अपनी सौतेली बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है और उसे बहुत ही गंदी निगाह से देखता है। तो इस बात का आप हमसे बेहतर, आप जगह जगह देखती हैं, आप खुद न्यायालय भी संभालती हैं और कार्यालय भी संभालती हैं, देखती रहती हैं, तो इस चीज़ से उस आदमी के पास प्लीज़ न जाएं, क्योंकि उसके 4-6 अफेयर पूरे दुनिया देख रही है। हर साल शादी कर रहे हैं, देखने में आ रहा है, तो ये सब चीज़ें ना हो तो अच्छी रहे। आप आलोक ने कभी अपनी अपनी बातें आपको कही कि कब से लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हुआ, कैसे मनमुटाव शुरू हुआ, कब से वो लग रह रही है? जी, ये एक बार बताएं कि जो सरकारी आवास था वहाँ पे, तो उस आवास पे इन लोगों को आपत्तिजनक हालत में देखें। तो कौन सा सरकारी आवास? जो SDM का सरकारी आवास होता है, उस समय ये इलाहाबाद ही थी, तो उस समय नहीं बताएं, ये बहुत तकलीफ़ में थे आलोक जी, लेकिन बता नहीं रहे थे, किसी से भी नहीं कुछ शेयर कर रहे थे, काफ़ी तकलीफ़ में रह रहे थे। जब ये देखें कि लखनऊ गई, वहाँ भी यही चीज़ था, और फिर इनको व्हाट्सअप चैट पे मिला कि हमें ही मारने की प्लानिंग की जा रही है, तब ये मजबूर होकर, और बच्चियों को न मिलने दिया गया, तब ये मजबूर होकर सामने आए सबके सामने कि अब अगर ये मीडिया में इतना नहीं फैलता तो शायद ये आज ज़िंदा भी नहीं रहते, जिस हिसाब से प्लानिंग चल रही थी। और रही बात, एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम वो लगा रही है कि दहेज की बात, तो धूमनगंज थाने में झलवा इलाके में जो इनका मकान बना है उसकी रजिस्ट्री में आप देख लीजिएगा पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। आलोक के पापा प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे, उन्होंने अपनी सारी कमाई 40-50 लाख रुपया ऑन रिकॉर्ड खाते में ट्रांसफ़र किया है, इनको उसके खाते में ट्रांसफ़र किया। उस पैसे से ज्योति के नाम पर उन्होंने ज़मीन ली, चाहे होते तो अपने नाम से लेते। ये प्रयागराज में लिया गया है जी, प्रयागराज। ये कब लिया गया है प्रॉपर्टी? ये थोड़ा टाइम हो गया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। SDM बनने के बाद? जी, SDM बनने के बाद ये ज़मीन ली गई है, जो कि इनके पापा के रिटायरमेंट की कमाई इनके खाते से ट्रांसफ़र की गई है, और उसी ट्रांसफ़र वाले पैसे को ही उसमें जिक्र भी किया गया है बैनामे में, और ये उल्टा इन्हीं पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये तो हर गरीबों और बेसहारों के लोग पैसा दे के खुद सोचते हैं पढ़े लिखे आगे बढ़े। आखिरी बार आप क्या कहना चाहते हैं ज्योति से? ज्योति से दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे ये जो? जी बिल्कुल, मिलने की कोशिश करेंगे। हमें उनसे काफ़ी प्यार मिला है और उनके पूरे परिवार से हमेशा मिलता रहा है। ये हो सके तो आप प्लीज़ कम बैक हो जाइए। और आखिरी बार आपकी बातचीत? आलोक से तो हमारी लगभग डेली बात होती रहती है, कब आज नहीं हुई, कल हुई थी, परसों हुई थी, लगभग कह रहे थे कल वो बात हो रही थी। बस परेशान है, काफ़ी बच्चियों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बच्चियों को भविष्य के लेके, उनके पापा पूरा परिवार सिर्फ बच्चियों के भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है उनके साथ। फैमिली कोर्ट में ये मामला कब पहुंचा? फैमिली कोर्ट में इनसे ये तलाक मांगी, इन्होंने देने के लिए नहीं तैयार। 3 महीने 4 महीने 6 महीने? हाँ, 3 महीने की बात है, 4 महीने पहले से ये मांग रही थी। उसके बाद जब इन्होंने तलाक नहीं दिया तो इन्होंने फैमिली कोर्ट में और इनके 4 लोगों के ऊपर FIR करा दिया, जिनके बाद इन लोगों ने मुचलका भर की जमानत ली। ये बहुत शर्म की बात है कि जिन्होंने कभी थाने का मुंह नहीं देखा, इनके फैमिली में 30-40 लोग गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, 10-20 टीचर हैं। टीचरों की फैमिली आप जानते ही हैं कितने संस्कारी होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, कितने सभ्य, कितने सुशील होते हैं। तो ये थे रामकृष्ण, जिनका साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर सामने आया, ये एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं ज्योति या आलोक से कि वो सब एक हो जाए। लेकिन कुछ दिनों पहले जो कन्वर्सेशन हुआ था आलोक और ज्योति के बीच में फ़ोन पर, वो इन्होंने ही कराई थी, और ये लगातार आलोक और ज्योति के कॉन्टैक्ट में थे। लेकिन अब इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से ज्योति ने, SDM ज्योति मौर्य ने इनको ब्लॉक कर दिया है।